को मस्जिद आसिया खुशा मदीन कहता हूँ और आपका जज्बा देख के आपकी मोहब्बत देख के सच्ची बात है अपनी बहुत कमियां दिखती हैं और आप पे रश्क आता है। आप आंखों की नेमत से महरूम है मगर आपका दिल देखता है, आपका दिल जिंदा है, आपकी बिनाई नहीं है मगर आपके दिल की रोशनी मौजूद है। कितने आंखों वाले हैं जो आज मस्जिद के रुख पे नहीं आते, आपके पास आंखें नहीं है मगर मस्जिद का रास्ता है तो बारिक हो आपको। अल्लाह ताला ने अपने दीन का अपनी हिदायत का रास्ता आपके लिए खोल दिया, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरा अल्लाह से यकीन है और आपका इस पर तजर्बा है, अल्लाह ताला जिसे एक नेमत छीनता है उसे 10 नेमतें ज्यादा दे देता है। अल्लाह ताला का इंसाफ का मामला है, जो बातें आपको समझ आती है जो आप महसूस कर सकते हैं मुमकिन है आंखों वाले देख के वो महसूस ना कर सके, जो आप स्मेल करके सुन के महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह ने आपको एक एहसास दिया है। कुरान मजीद याद करना चाहे, आंखों वाले ज्यादा जल्दी याद करते हैं कि बगैर आंख वाले? बगैर आंख वाला जल्दी कुरान याद करता है। किताबें पढ़ना चाहे तो ज्यादा नंबर आज आंखों वाले आ रहे हैं कि जो बसारत से महरूम है इनके नंबर ज्यादा आते हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की यूएन में एक मंदूब है, 23 मार्च को उसको पाकिस्तान ने मेडल दिया है। यूएन में अक्वामे मुत्तहिदा में बिनाई के बगैर है कश्मीर का सबसे बेहतर मुकदमा किसने लड़ा? उस खातून ने यूएन में लड़ा है जिसकी आंखें नहीं है। तो अल्लाह ताला एक चीज छीनता है तो मगर दरवाजा नहीं बंद करता, दरवाजे खुले रखता है उनके। तो इंशाअल्लाह दीन पे अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी इस तरह के थे, आके कहने लगे अल्लाह के नबी मेरी आंखें नहीं है, मेरा घर दूर है तो क्या मैं मस्जिद में? अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम थे, आंखें नहीं थी, और मौज़ने रसूल कौन थे? अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला। तो कहा कि आप मुझे इजाजत मरहमत फरमा दे मैं घर में नमाज पढ़ू, मेरा घर दूर है, कोई साथी मुझे पकड़ के लाने वाला नहीं है, मेरे रस्ते में कीचड़ है, कांटे हैं। आपने फरमाया हाँ आप घर नमाज पढ़ा करें। वो उठ के चलने लगे तो आपने फरमाया क्या तू अजान की आवाज सुनता है? कहाँ अजान सुनता है। फिर फरमाया लब्बैक कहना होगा। नाबीना सहाबी को भी मस्जिद में आने की तल्कीन की है, घर में नमाज की इजाजत देनी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नमाज में भी आए, अजान में भी आए। हजरत बिलाल फजर की अजान कहते थे और तहज्जुद की अजान कौन कहते थे? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला। फिर मार्ग को मैदानों में कौन गए? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। और जब कभी कभी अल्लाह के नबी मदीने से बाहर जाते तो अपने बाद मदीने का अमीर किसको बना के जाते? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु तआला। मदीने की पूरी रियासत के हुक्मरान वो होते थे बाद में। तो मेरी सिर्फ आपसे कहने का मकसद ये है, कभी ये नहीं कहना कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते। इंशाल्लाह आप सब कुछ कर सकते हैं, ये आंखें तो 2-4-10 साल नहीं है। अल्लाह अकबर, क़यामत में अल्लाह ताला आँख भी देगा, अपना दीदार भी देगा, जन्नत अल-फ़िरदौस भी देगा। और आंखें उनकी नहीं है जिनको दिखाई नहीं देता, आंखें तो उनकी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता हमने उन्हें आंखें दी मगर वो देखते नहीं है, हमने उनको कान दिए हैं मगर वो सुनते नहीं है, हमने उनको अकल दी है मगर वो सोचते नहीं है। नाबीना आंखों वाले नहीं होते वो नहीं होते जिनकी आंख ना हो, नाबीना तो वो होते हैं जो दीन से रह जाएं, जो अकीदे से रह जाएं, जो हिदायत से रह जाएं, जो नमाज से रह जाएं, जो कुरान से रह जाएं। अल्लाह ताला ने आपको जमात दी है, काम का मौका दिया है, इंशाल्लाह इस मरकज में आते रहे, अपनी तकरीबात का इसी तरह एहतमाम करते रहे, दावत के दरवाजे खोल ले, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर ही जाएगा। अल्लाह ताला मुल्की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व मा अलैना।